हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरिगामी पेपर लैंटर्न कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। आप इस पेंडेंट लाइट को इंडोर और आउटडोर दोनों हैंग कर सकते हो। लैंटर्न को एज अ सेंटर पीस भी रख सकते हो। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में मैंने सेंटर पीस का भी रिजल्ट दिया है। इस लैंटर्न को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच का पेपर लैंटर्न लिया है, स्क्वायर पेपर ओरिगामी शीट्स और हॉट ग्लू गन। तो हम ओरिगामी पेपर के एजेस टॉप तक अच्छे से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम पेपर को हाफ में फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम पेपर के दोनों एजेस को फोल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो अब हम लैंटर्न को वन बाय वन ओरिगामी पेपर्स हॉट ग्लू गन से चिपकाते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पेपर्स लैंटर्न्स को कैसे चिपकाया है। सेकेंड लेयर लगाते वक्त आपको दोनों पेपर्स के बीच में ओरिगामी पेपर लगाना है, तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो मैंने ओरिगामी पेपर्स लैंटर्न्स को लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको एज अ सेंटर पीस भी रख सकते हो। इसमें लाइट लगाने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे कलर चेंजिंग लाइट लगाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।